वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राम के नाम पर सियासी संग्राम उसी तरह रफ्तार पकड़ रहा है। इस बार कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ही राम विरोधियों को निशाने पर लिया और ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में ही कुछ लोग राम विरोधी हैं। राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। राज्यों में चुनावी जंग के बीच नेताओं की जुबान पर राम का नाम है। मंच जो भी हो, हर सभा में राम मंदिर का गुणगान हो रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक अयोध्या नगरी का वादा पूरा हो रहा है। जब 22 जनवरी को पीएम मोदी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक श्रीराम मंदिर उद्घाटन की तारीख पास आ रही है। इस कार्यक्रम को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां की जा रही है। और इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल को राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण पत्र सौंप दिया है, लेकिन कुछ विपक्षी नेता अब भी जो इस कार्यक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही करारा जवाब दिया है। किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्म गुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है, मोदी से नफरत करते 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 वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में उसका विरोध। प्रमोद कृष्णन जी जो कहते हैं वो वस्तुतः पार्टी के हित के लिए कहते हैं, कांग्रेस के हित के लिए कहते हैं। कांग्रेस इस तरह से जो धरातल से उठ करके ऊपर जाना चाहिए तो उसका वो सुझाव देते हैं। आखिर विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से इतनी नफरत क्यों है? आखिर हिंदू आस्था पर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सवाल श्रीराम मंदिर उद्घाटन पर हो रहे हैं और जवाब खुद सीएम योगी दे रहे हैं। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे, इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। एक कांग्रेसियों का इतिहास है और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है, एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को अपना गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। यानी एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा 24 के पटल पर अटल साबित होने वाला है, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अब राम विरोधी कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया है। तो वहीं मंच जो भी हो, पीएम मोदी और सीएम योगी
राम मंदिर के कामकाज से 24 का आगाज करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए एक नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।